रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान ट्रेल सेंटर की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। कुछ अर्सा पहले हमने धुएँ वाला तिलाब बनाया था और इसी वक्त हम आपके सामने धुएँ वाली जेल लेके आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि धुएँ वाले तिला से बाद उकादा में कुछ मामला पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से हमने वो धुएँ वाला तिला हमने बंद कर दिया था। अब चूँकि बेहतर रिज़ल्ट के लिए हम धुएँ वाली जेल लेके आए हैं। जो लोग कहते हैं हमारे नफ्स में कमज़ोरी आ गई या पतलापन हो गया या सख्ती नहीं है, टाइमिंग नहीं है, ये तमाम मामला मुश्किल हैं, परेशानी भी हैं। और बाद लोग कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ तिला इस्तेमाल करके थक चुके हैं। अब ऐसी कोई चीज़ हमें बना के दिखाएँ जो कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, बल्कि ख्वाहिशात को क्या ज़रूरियात को पूरा कर सके, ये भी एक ज़रूरत होती है। चूँकि इंसान से गलती तो हो जाती है, गलतियाँ क्या होती हैं, अगलाम बाजी कर दी, मुश्तज़नी कर दी। ख़ास तौर पर मेरे पास इस वक्त अगर 90% पेशेंट जो आते हैं वो मुश्तज़नी के आते हैं और फिर मुश्तज़नी एक दफ़ा नहीं सालों से कर रहे हैं। तो इन हालात में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई अपने आप को बचा लें, जितना हो सके अपने आप को बचा लें। अगर आप इस वक्त अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो कल को आने वाला वक्त आपके लिए इंतहा दर्जे नुकसानदेह होगा और आपके आने वाली नस्ल के लिए नुकसानदेह होगा। अगर आपके नफ्स में ऐसी रगें ब्लॉक होगी तो फिर आप क्या करेंगे जिससे नफ्स में तनाव दिलाने के लिए मदद होती है, तो ऐसी सूरत हाल से बचें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी मेडिसिन बनाएं जो आपकी ख्वाहिशात को ज़रूरियात को पूरा कर सके, मगर आपके लिए भी ये लाजम है कि अपने आप को थोड़ा बचाएं। ये देखें धुआं निकल रहा है जबकि जमी हुई है, ये देखें कुछ भी नहीं है इसमें, कोई आग नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपके सामने इसको निकालूंगा, ये देखें ये लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। हस्ब रूटीन जितने भी तेल लगाते हैं इसी तरह लगानी, ये देखें आप, किसी कोई ऐसा कोई जादू नहीं, कोई शोभदाबाजी नहीं है, हकीकत पर मबनी। ये देखिएगा ये कुछ हमारा टाइम लग गया बनाने में, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि हमारी कोई अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसा कोई तकब्बुर ना अल्लाह ताला की ज़ात हमसे बुलाए, यानी कि हमारी मेडिसिन वो है जो कि 1% भी साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती है। अक्सर लोगों का मैंने ये गिला सुना कि हमने फ़लाँ हकीम से मेडिसिन ली, हमारे मैदे में तकलीफ होगी, फ़लाँ से ली, हमारे पहले से भी शहवत ख़त्म होगी। मेरे भाई, जो नुस्खा आप बना रहे हैं कम अज़ कम उसकी अफादियत का, उसके अफ़ालो असरात का, उसके नुस्खा नवीसी का आपको इलम होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसके अज़ा की माहियत को ही ना पहचान सकें तो फिर आप क्या नुस्खा नवीसी कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ जो नुस्खा नवीसी होती है तो इसीलिए हम सब चीज़ों को जाँच पड़ताल करके इसके मजाज को, इसकी कंडीशन को, इसके अफ़ालो असरात को, इसके साइड इफ़ेक्ट सब चीज़ें नोट कर की जाती हैं, फिर जाके नुस्खा बना के अपलोड करते हैं। ये नहीं होता कि इधर से हम चीज़ें उठा ली, इधर से हमने वीडियो बना ली, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बड़ी मेहनत के साथ नुस्खा नवीसी होती है, तो नुस्खा नवीसी इतना आसान काम नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो आपके सामने जेल तैयार की है और कैसे हो रही है, ये सारी डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप मुकम्मल वीडियो देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा वाकई नुस्खा नवीसी कितना और नुस्खा बनाना कितना मुश्किल तरीन काम है। सिर्फ ये आप लोगों के लिए खिदमत के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए, आपके परेशानी को हल करने के लिए दिन भर रात हम सोचते हैं, मेहनत करते हैं। तो बाद अवकात ऐसा भी हो जाता है कि किसी वक्त हमसे मोबाइल अटेंड ना हो सके, तो मेरे भाई इसलिए हम माजर चाहते हैं। कोशिश ये होती है कि सभी के मोबाइल अटेंड हों, सभी के, और आपके लिए ये लाजम है इन्हीं नंबर पर कॉल करिएगा। अब कुछ लोगों ने कमेंट्स में नीचे लिखा हुआ होता है कि मेडिसिन लेने के लिए इन नंबर पर रब्ता करें, तो इन तरीक़ों से आप बचें, ये आप ख़ुद मुहतात हो जाएं। मैंने आपको पहले जो जेल दिखाई है लगा के धुएं वाली जेल, क्योंकि हम पहले गोल्डन पावर तिला इस्तेमाल करते थे, तो अब गोल्डन पावर तिला को और साथ इसमें इसको नुस्खे को थोड़ा तब्दील करके कुछ लोग तिला को इस्तेमाल करते हैं, कुछ जेल को पसंद करते हैं, इसलिए आज हमने इसकी कंडीशन चेंज कर दी है ताकि इसके फायदे को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में बनाया जा सके। सबसे पहले जो हमारे गोल्डन पावर तिला के अज्जा हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके सामने पड़ी जौ के,
जौक नफ्स के पठों को तकवीत देने के लिए, नफ्स को बढ़ाने के लिए, उसमें सख्ती लाने के लिए इंतहादा जो मुफीद है। साथ बेल बूटी है, बेल बूटी नफ्स के, अगर आप अकेली बेल बूटी ही इस्तेमाल करते जाएँ एक रोज़ाना एक अदद से लेकर सातवें दिन सात तक, फिर इसी तरह कम करते जाएँ, तो ये नफ्स को लंबा और मोटा करने के लिए, नफ्स में सख्ती लाने के लिए इंतहा दर्जा मुफीद है। और साथ ये खलातीन है, खलातीन में चूँकि ये कुदरती तांबा होता है, ये मसनू तांबा नहीं होता और कुदरती तांबा नुकसान नहीं देता, तो ये एक तो आपके नफ्स में ताकत लाएगा और दूसरा इसका ये अपना फील होगा कि ब्लड जो सर्कल है जिसकी वजह से नफ्स में सख्ती आती है, ये ब्लड सर्कल लाने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद और बेहतरीन नुस्खा है। और ये दालचीनी, दालचीनी चूँकि खाने की अशिया में भी इस्तेमाल होती है, बदनी इस्तेमाल में होती है, तो इसमें इसलिए हम ये नुस्खा मुकम्मल आपके सामने गोल्डन पावर तिलाक का नुस्खा आपके सामने रख के बैठे हैं। और ये तमाम चीज़ें मैंने जला कर तैयार करके ये गोल्डन पावर तिला आपके सामने ये देखें। अब हमने इसको और ये साथ वैज़लीन ने इसको मिला के एक बाकी अज्जा शामिल करके इसको धुएँ वाली जल बनाएंगे। पहले हमारा नुस्खा होता था धुएँ वाला तिला, आज हम आपको धुएँ वाली जल बना के दिखाएँगे। तो ये नाज़रीन देखिएगा, आपको कहा कि हमारी आदत ये होती है जो हम नुस्खा बनाते हैं वो आपको एक एक उसकी अज्जा अफ़ाल असरात मुकम्मल तौर पर बताते हैं ताकि आपको कोई चीज़ आपसे मख्फी ना रखी जाए। ये देखें, यानी कि इसके मुकम्मल अज्जा आपके सामने होते हैं। अक्सर लोग नेट के ऊपर जो बैठते हैं ना, ये नेट के ऊपर बैठ कर हिकमत करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता ही नहीं है हिकमत क्या होती है। अक्सर लोग तो हिकमत के नाम से वाकफ़ नहीं है, हिकमत क्या खा करेंगे और बोलने में ऐसा बोलते हैं जैसे हकीम अफलातून है। अब ये देखिए चूल्हे के ऊपर रख दिया गया और बाकी अज्जा हमने इसके पहले ही तैयार कर दिए गए हैं। ये गोल्डन पावर तिला जो पहले से तैयार शुदा है, बाकी अज्जा आपको मैंने पहले बता दिए हैं। अब इसको हमने तैयार होने देना, जब ये तैयार होगा तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर आपके सामने लाया जाएगा, फिर आपको दिखाया जाएगा कि इसमें क्या क्या तरीक़ाकार हैं जिसकी वजह से धुआं ये देने वाला जेल बन जाएगा। पहले हम जितने बनाते थे सिर्फ तलाक के मतलब थे, आज धुएँ वाली जेल आपके सामने दिखाएँगे, क्योंकि मैं पहले दिखा भी चुका हूँ और अब इसको मुकम्मल तैयार भी करना है ताकि मुकम्मल तरतीब के साथ आपको बताया जा सके। तो जब मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर मज़ीद आपको दिखाया जाएगा।